अभी जहां देखो वहीं सनी देओल की गदर 2 बस गदर मचा रही है। लेकिन गदर 2 के साथ ही रिलीज की गई ओ माई गॉड 2 और जेलर इन दोनों फिल्मों को बहुत कम लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन तीनों फिल्मों के साथ ही एक फिल्म और रिलीज की गई थी 11 अगस्त 2023 के दिन ही भोला शंकर नाम की फिल्म को भी रिलीज किया गया था जिसमें चिरंजीवी और तमन्ना भाटिया ने अहम रोल प्ले किया है। लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि इन चार फिल्मों के साथ ही एक और फिल्म को भी रिलीज किया जा रहा था जिसका नाम एनिमल है। लेकिन इस फिल्म के निर्माता ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इस फिल्म की रिलीज डेट को 11 अगस्त 2023 से बदलकर 1 दिसंबर 2023 कर दिया। इस फिल्म में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और परिणीति चोपड़ा ने अहम रोल प्ले किया है। गदर 2 ने पहले ही दिन 40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और पहले दिन से 21 अगस्त तक 375 करोड़ कमा चुकी है। वहीं ओ माई गॉड 2 ने पहले दिन सिर्फ 10 करोड़ का कलेक्शन किया था और जेलर फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 514 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं भोला शंकर ने रिलीज से 9 दिनों में सिर्फ 29 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन क्या आपको पता है ये फिल्में तो कुछ भी नहीं है। बाहुबली 2 को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन ही 41 करोड़ का कलेक्शन किया था और अभी तक बाहुबली 510 करोड़ कमा चुकी है। लेकिन बस कुछ ही दिनों में गदर 2 बाहुबली 2 का टोटल कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। लेकिन KGF 2 ने पहले ही दिन में 53 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन क्या आपको पता है जब दंगल फिल्म को रिलीज किया गया था तब उसने पहले दिन सिर्फ 23 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने अभी तक इंडिया से 387 करोड़ का कलेक्शन किया है और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2070 करोड़ रुपए है। अगर देखा जाए तो अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल है। बेशक किसी और फिल्म ने दंगल के पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो लेकिन आज भी दंगल फिल्म सभी फिल्मों पर भारी पड़ रही है। दंगल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो कई बड़ी बड़ी फिल्में जैसे बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा, पठान, बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भी भारी पड़ रही है। लेकिन आपको इन सभी फिल्मों में सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस लिस्ट को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस फिल्म ने रिलीज से लेकर आज तक कितना कलेक्शन किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।